हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश पटेल। पशुपालन गुजरात में आपका स्वागत है। आज नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये है बन्नी बफेलो डॉक्यूमेंट्री। बन्नी बफेलो जो कच्छ रिलीजन की नस्ल है, हमारे गुजरात की चार उम्दा नस्लों में से एक है, जिनको 2011 में बन्नी नस्ल को एक अलग नस्ल का दर्जा मिला था। बन्नी नस्ल की भैंसें बहुत ही अच्छी और बड़े तादाद में कच्छ इलाके में पाई जाती है। सबसे शांत नस्ल है और ज़्यादा दूध देती है। किसी भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, चाहे ज़्यादा गर्मी हो, चाहे जाए ज़्यादा बारिश हो या सर्दी हो, वो अपने आप को ढाल देती है। बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। ये कच्छ के सभी इलाके में पाई जाती है ज़्यादातर, और ऑल ओवर गुजरात में भी पाई जाती है। बन्नी नस्ल की जो ज़्यादा दूध देती है और स्वभाव शांत होता है, और उसकी फेस प्रोफाइल, उसके सींग 90 एंगल से मुड़े होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बन्नी नस्ल को अच्छी तरह नहीं पहचानते। काफ़ी लोग आउट स्टेट के जो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं बन्नी बफेलो के रिलेटिव कुछ क्वेश्चन, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। लेकिन आज मैंने पूरा वीडियो ही बना दिया है उन लोगों के लिए जो लोग ब्रीडिंग के बारे में नहीं जानते, जो लोग बन्नी बफेलो के बारे में नहीं जानते। देख सकते हो, सभी की सभी प्योरिटी वाली और 90 एंगल से मुड़े हुए सींग वाली भैंसे है। देख सकते हो, अच्छी ब्रीडिंग की वजह से ये पॉसिबल होता है, क्योंकि आपके पास अच्छी भैंसे होती है लेकिन अच्छा बुल नहीं होता, तो आप अच्छी कटड़िया और अच्छे बुल तैयार नहीं कर सकते। पर कच्छ मालदारी समुदाय की जो लोग होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उनके पास, सभी के पास एक प्राइवेट बुल होता है जो वो रखते हैं अपने ब्रीडिंग के लिए। और देख सकते हो, उनकी वजह से अच्छी अच्छी पैसे और अच्छी अच्छी कटड़िया वो तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हरे चारे की तंगी के कारण थोड़ी दुबली है भैंसे, लेकिन बहुत ही अच्छी और गुड क्वालिटी की भैंसे हैं उनके पास। इन भैंसों के ओनर का नाम है महादेव भाई आहिर, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और ये चौबारी कच्छ का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं उनका जो ब्रीडिंग के लिए हुआ जो बुल है वो भी आपको दिखाऊँगा। बहुत ही गुड क्वालिटी का बुल है उनके पास। ये कटड़िया देख सकते हो, अच्छे बुल की रिजल्ट होता है जो वो आपकी नज़र के सामने है। दोस्तों, हम अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर सकते तो हम अच्छा पशुपालन भी नहीं कर सकते। देख सकते हो उसके फेस, उसके सींग और लेंथ, पतली गर्दन, बहुत ही खूबसूरत। चारे की तंगी की कारण ये भैंसे थोड़ी दुबली है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और गुड क्वालिटी की भैंसे है ये कटड़ी भी। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना ज़रूर, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा लगे तो कमेंट करो। कोई अच्छा सुझाव हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। दोस्तों, हर एक वीडियो सेल के लिए नहीं होता, मैं सेल का काम नहीं करता, मैं सिर्फ बन्नी बफेलो के वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई सेल के लिए होती है तो मैं वीडियो में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। और ये एक डॉक्यूमेंट्री है, इसीलिए ये भैंसे सेल के लिए नहीं है, और उनके मालिक का नंबर भी मैं आपको वीडियो के अंदर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री है। और ये आपको दिख सकते हो उनका बोल, बहुत ही खूबसूरत 90 एंगल से मुड़े और आगे की तरफ झुके हुए सींग, लंबी लेंथ है, और शांत स्वभाव का जो ये बन्नी नस्ल की पहचान है। आप कितनी भी भैंसों के बीच आप जाएंगे तो आपको अनसिक्योरिटी नहीं फील होगी, यही खास बात है जो लोगों को खींचती है बन्नी नस्ल की। ये बुल उन्होंने ब्रीडिंग के लिए है। ये कटड़िए भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही छोटे सींग है और आगे की तरफ झुके हुए, ये आने वाले वक्त में बहुत अच्छी तैयार होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो
तो लाइक ज़रूर करना और मेरी चैनल पर नए आए वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अपने पशुधन को प्रमोट करना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालकर आप डिटेल दे सकते हो, मैं आपको अपने वक्त पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उसकी वजह से ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, इसकी वजह से मैं ज़्यादातर एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ पर्सनली जाके। तो आप अपना पशुधन को प्रमोट करना चाहते हो तो आप अपना नंबर और अपना पता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।